नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने रविवार को मणिपुर में जारी हिंसा की निंदा की। संघ ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों सहित सरकार से तत्काल शांति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील की। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय ने एक बयान में मणिपुर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी एक्शन के साथ साथ हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों को राहत सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। दोनों पक्षों को विश्वास की कमी को दूर करना चाहिए, जिससे वर्तमान संकट पैदा हुआ है, और शांति बहाल करने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। आरएसएस नागरिक समाज, राजनीतिक समूह और मणिपुर की आम जनता से भी अपील करता है कि वे वर्तमान अराजक और हिंसक स्थिति को समाप्त करने के लिए हर संभव पहल करें और मानव जीवन की सुरक्षा और स्थायी शांति सुनिश्चित करें। होसबोले ने कहा कि भयानक दुख की इस घड़ी में आरएसएस 50,000 से अधिक विस्थापित लोगों और अन्य पीड़ितों के साथ खड़ा है। बता दें कि मणिपुर में जाति हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। राज्य सरकार ने 11 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने मिजोरम के सीएम जोरमथांगा से राज्य में शांति बहाली के लिए मदद मांगी है। जोरमथांगा ने ट्विटर पर कहा कि उनकी सरकार मणिपुर में चल रही हिंसा से दुखी है और हिंसा खत्म करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मिजोरम में रह रहे मेतई लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। मैंने मणिपुर के सीएम को भी बताया कि हम मिजोरम के लोग मेतई के प्रति सहानुभूति रखते हैं और सरकार और एनजीओ ने शांति और सुरक्षा के लिए उपाय किए हैं।